अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटेक गुरु। दोस्तों, आज आपकी फरमाइश पे मैं एक वीडियो लेके आया हूं। वीडियो है आज रिसीवर्स के बारे में। आप लोगों की फरमाइश है कि हमें मुख्तलिफ रिसीवर्स के बारे में बताया जाए कि कौन कौन से रिसीवर्स किस किस किस्म के आ रहे हैं, उनमें सर्विस कौन से हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं और कौन सा अच्छा रिसीवर है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। वीडियो देखते सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, टाइम पे मिलती रहें और आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो चले देखते हैं कौन कौन से रिसीवर्स हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं सब रिसीवर्स और उनकी किस्में। तो ये है जी हमारी वीडियो, ये है जी F1 F2 Go2 वाला छोटी फ्लैश वाला रिसीवर है। आजकल जो एक सॉफ्टवेयर आया है SKM वाला, वो इसमें लोगों ने बताया है कि नहीं होता, लेकिन मैंने इस छोटी फ्लैश में खुद किया है और इस वाले मॉडल में वो भी सॉफ्टवेयर हो जाएगा, बेफिक्र होके। अच्छा, ये है जी, ये आपको F1 F2 बता दिया। ये हमारा आगे जी थोड़ा कॉस्टली में, ये स्टार सेट के मॉडल जो कि फॉरएवर सर्वर में आते हैं। ये देखिए, ये 2016 मॉडल है। ये तकरीबन आपको 8,000 से 9,000 के दरमियान प्राइस में मिलेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे जी ये ओपन बॉक्स। ये है जी ओपन बॉक्स का, जिसमें गोडा सर्वर 6 महीने का और साल का DSKM भी आता है, ओपन बॉक्स है। और आजकल तो इसमें जी NS6 HD चैनल भी चल गए, उसकी मैंने वीडियो भी आप बना दी है, आप ऊपर देख लें या डिस्क्रिप्शन में होगी तो वो आप वीडियो देख लें। इसके ऊपर अभी NS6 HD के चैनल भी ओपन हो गए हैं गोडा सर्वर पे। तो ये तकरीबन रिसीवर आपको मिलेगा जी 2,800 से 3,000। अच्छा, अभी हम देखेंगे जी ये जी सबसे कॉस्टली जो आइकन आयरन प्रो है। ये आइकन आयरन प्रो जो है, ये रिसीवर तकरीबन आपको 22,000 से 25,000 में मिलेगा। न्यू की बता रहा हूँ, ये न्यू की प्राइस बता रहा हूँ, 22,000 से 25,000 के दरमियान मिलेगा। इसमें ओर्का सर्वर होता है और वो होता है जी लाइफ टाइम। जो फॉरएवर सर्वर की बात कर रहे हैं वो तकरीबन साल होता है, लेकिन इसमें लाइफ टाइम ओर्का सर्वर और 2 साल का IPTV होता है। अगर आपको यूज में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, यूज में आपको ये सस्ता मिलेगा। इसको भी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये है जी हमारा फिर एक और F1 F2 का मॉडल जो चाइना का है, बड़ी फ्लैश में। आप इसके डब्बे और पैकिंग से भी देख रहे होंगे कि ये बड़ी फ्लैश में है और इसका कीमत भी तकरीबन 2,000 के लगभग है। और ये बड़ी फ्लैश में और इसमें SKM सर्वर आराम से हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको इन सबको रिसीवर्स की अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ रिसीवर्स कैसे हैं। अच्छा जी, अनबॉक्सिंग पे हम आ गए जी। ये हमारा आ गया जी अभी स्टार सेट वाला 2016 SR। इसके साथ वाईफाई कैचर भी आता है, 2 रिमोट आते हैं, एक वाईफाई वाला रिमोट है, आप जिस तरफ चाहे कर लें इसका रिमोट वर्क करेगा, ठीक हो गया जी। 1 साल का इसमें आता है जी फॉरएवर सर्वर और 1 साल की आती है जी IPTV, कभी कभी 15 माह की भी आती, मुख्तलिफ होते हैं। अभी हम इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। ये इसके 2 रिमोट, ये वाईफाई वाला है, ये सादा है, साइड पे रखते हैं। और क्या जी, इसमें एक आएगा जी हमारे पास कैचर और आगे आएगा जी हमारे पास अपना रिसीवर। रिसीवर निकालते हैं, डब्बे को साइड पे रखते हैं। ये है जी हमारा रिसीवर, ये को इसकी मैनुअल है जी, इसकी सिस्टम बताया है। तो ये हमारा आ गया जी रिसीवर, ये देखिए स्टार सेट। और ये आएगा जी हमारा, ये आ गया जी हमारा इसका फ्रंट पैनल, ये इसके बटन है, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, फुल बॉडी मेटल की बॉडी है इसकी, ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको। ये इसका जी बैक है जी, ये देखें, ये ट्यूनर है जिस इन आउट, ये ऑडियो वीडियो, ये HDMI, ये USB, ये इसकी RS232 लगाने के लिए और ये LAN वायर लगाने के लिए। ये इसका हो गया ऑन ऑफ वाला बटन और ये है वायर, ठीक है जी। देखें इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी
बहुत ही प्यारी बिल्ड क्वालिटी है जी, ये ऊपर लोगो लगा हुआ है। ये थी हमारी जी स्टार सेट 2000 एक्सट्रीम रिसीवर, इसमें फॉरएवर सर्वर आता है। अभी दूसरा रिसीवर देखते हैं जी, ये इसका सामान है सारा, ये इसके साथ आता है सारा सामान। देखें दो रिमोट एक वाईफाई कैचर, ओके जी। अच्छा जी अभी बारी आ गई जी हमारे आइकन आयरन प्रो एंड्रॉयड रिसीवर, अब तक का सबसे कामयाब और अच्छा रिसीवर है जो कॉस्टली है। न्यू की कीमत मैंने आपको जैसे पहले बताया 22,000 से 25,000 है, लेकिन सेकंड हैंड में आपको ये 16, 17, 18 का मिल जाएगा अच्छी हालत में, क्योंकि इसका ओर्का सर्वर होता है। ओर्का सर्वर लाइफ टाइम है फ्री, वो इसकी प्लग इन इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग डाल दूंगा, वो मैं आप देख लीजिएगा। और इसमें एंड्रॉयड है जी, एंड्रॉयड 7.0 इसकी देखें, इसमें IPTV है, कोडी भी इंस्टॉल हो जाता है, क्वाड कोर है, गेम्स भी खेल सकते हैं आप, मायरा कार्ड मोबाइल टू टीवी और वेब ब्राउजर इसमें है, यानी कि ये गूगल प्ले स्टोर को सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड है, एप्लीकेशन है उसकी सारी चलेंगी, आप जो भी देखेंगे 4K सपोर्टेड है, अल्ट्रा HD सैटेलाइट एंड IPTV है जी, ये देखें 4K अल्ट्रा HD सपोर्टेड है, माई टीवी ऑनलाइन इसमें सॉफ्टवेयर है, ये इसके प्लगइन्स हैं एक्सट्रीम और ये। और ये देखें जो सबसे खास बात है फॉर डिश सेटिंग, जो डिश सेटिंग करते हैं रिसीवर ऊपर ना ले जाएं, आप मोबाइल पे इसका पूरा डिस्प्ले देख सकते हैं और पूरा रिसीवर का डिस्प्ले होगा, आप वहां फ्रीक्वेंसी ऐड भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी देख सकते हैं। इसको एयर सिंक्रोनाइज्ड रिमोट कहते हैं, तो इसको भी मैं दिखा दूंगा आपको अपनी अनबॉक्सिंग की वीडियो जो इसकी बनाऊंगा बाद में, ठीक है जी। तो ये हमारा होगा जी आइकन आयरन प्रो, ठीक है जी। इसको अभी करते हैं जी ओपन। सबसे पहले इसमें है जी ये एक डब्बा है, अगर निकल गया तो ये देखिए, ये जी इसके एक्सेसरीज बॉक्स, इसको देखते हैं बाद में। अच्छा ये आगे जी इसका रिमोट, ये देखें इसका रिमोट, आपको उम्मीद है कि नजर आ रहा भी आ रहा होगा, ये देखें ये है इसका जी रिमोट। इसके रिमोट के आपकी खास बात है, इसके बटन जैसे दूसरे रिमोटों पर उभरे हुए नहीं है, ये देखें अभी नजर आ रहा है। अच्छा ये देखें जी अभी आपको नजर आ रहा होगा, देखें इसके जो बटन हैं, ये जो बटन हैं इसके टच वाले बटन हैं तकरीबन, ये अंदर हैं बिल्कुल प्लेन है, ये देखें इसके उभरे हुए बटन नहीं है, ये खास बात है इसकी आइकन आयरन प्रो रिसीवर, ठीक है जी। ये इसका रिमोट है। अच्छा एसेसरीज में देख लेते हैं जी, ये देखिए ये एसेसरीज, एसेसरीज में इसकी आ जाती है जी, ये आएगी जी HDMI केबल है इसकी, और ये इसका आ जाएगा जी अडाप्टर, 12 वोल्ट का अडाप्टर है, इसको रखते हैं जी साइड पे। अब हम निकालते हैं जी मेन अपना फीचर जो है कि रिसीवर, और इसमें डब्बे में कुछ नहीं है, तो रिसीवर हम निकालते हैं जी ये वाला यहां से, ये जी कोई इस तरह पैकिंग आती है, ये इसका मैनुअल है, ये इसका कुछ मैनुअल बनाया हुआ उन्होंने जिसमें इसकी कुछ सिस्टम बताए हुए हैं, अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी है। इसको रखते हैं साइड पे, और ये है जी हमारा रिसीवर 4K रिसीवर आइकन आयरन, इसकी बहुत सी वीडियोस YouTube पे पड़ी हुई है, ये देखें जी ये है जी आइकन आयरन, आइकन कंपनी का नाम है और ये है इसका मॉडल आयरन प्रो। इसमें आइकन वीगो वगैरह भी आते रहते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर जो हमारे पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए जी इसका मॉडल नंबर आइकन प्रो आयरन, और ये देखिए इसके सीरियल नंबर हैं, सील्ड है ये, ठीक है जी। ये इसके USB, ये इन, ये इंफ्रारेड लैदर लगाने के लिए रिमोट, ये SVDIF है ऑडियो के लिए, ये ऑडियो वीडियो आउट है पिन लगाने के लिए, ये है HDMI और ये है लैंड सपोर्टेड, और इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लग जाता है, और ये है जैक 12 वोल्ट का, ठीक है, और इस तरफ भी एक USB आ जाएगी, इस तरफ भी एक USB, ये 3.0 सपोर्टेड है, ठीक है जी। ये है जी हमारा आइकन आयरन प्रो, इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको अलहदा से ऊपर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो और इसकी डिटेल रिव्यू की, ठीक है जी।
अगला अभी रिसीवर देखते हैं जी, अब आगे कौन सा है रिसीवर। अच्छा जी, अभी आ गए जी हमारे पास रिसीवर ओपन बॉक्स सिग्नेचर प्लस एलवी का। ये रिसीवर होता है जी गोडा सर्वर के साथ आता है और फॉरएवर सर्वर इसमें नहीं होता, ये डीएसकेएम में होता है। ठीक है जी, तो ये देख रहे हैं ओपन बॉक्स, इसमें सिम वाला भी आता है, ये है सादा, इसके अंदर वाईफाई बिल्टन होती है। ठीक है जी, आपको समझ आ रही होगी। ओपन बॉक्स गोडा सर्वर 6 महीने का, 1 साल का इसमें डीएसकेएम आता है। ये देख रहे हैं जी ओपन बॉक्स, सिम वाला नहीं है ये, बिल्ट इन वाईफाई वाला है। इसमें ये सारी सारी खसूसियात है, ये देखें टेक टैक्स भी है और सारा एम की जो भी है। ये इसमें 1506 LV वाला है, ये सिग्नेचर प्लस LV सीरीज 1506 LV। इसमें अभी खास बात ये हुई है कि NS6 के डिश टीवी HD के तमाम चैनल ऑन हो गए हैं गोडा सर्वर पे। ठीक है जी, DSKM भी 1 साल की, 6 महीने का गोडा सर्वर, और अभी NS6 HD के चैनल सिर्फ इस बॉक्स पे LV पे और गोडा सर्वर पे ऑन है। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। इसमें जी कुछ ये एक्सेसरीज है जी, एक रिमोट होगा, ये देखिए इसके ऊपर लिखा भी हुआ ओपन बॉक्स, ये देखिए ये ओपन बॉक्स, ये रिमोट बड़ा प्यारा रिमोट है जी, अच्छी क्वालिटी का है। बटन, ये इसकी ऑडियो वीडियो केबल आएगी साथ, और ये हमारा आ गया जी रिसीवर। ये भी इसके साथ भी एक जी मैनुअल है, ये कुछ बताया हुआ इसमें, ये देखिए साइड पे रखते हैं, तो रिसीवर निकालते हैं जी। ये जी इसका रिसीवर है जी ये वाला, ये देखें जी बड़े प्यारी बॉडी का है, छोटा सा रिसीवर, स्लिम एंड स्मार्ट, देखें प्लास्टिक नहीं है ये, बड़ी प्यारी। और ये है जी इसका वाईफाई एंटीना, गोडा सर्वर और DSKM के साथ आता है ये, ये इसका कनेक्ट होगा, आपको लैदा लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखें अभी इसमें क्या क्या है जी, ये देखें ये LNB in LNB out, ये HDMI, ये ऑडियो वीडियो के है, ये USB लगेगी, और ये इसके वायर, और ये इसका ऑन ऑफ। ठीक है जी, तो ये है जी हमारा रिसीवर ओपन बॉक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन सा बॉक्स है। तकरीबन इसकी प्राइस 2800 से 3000 तक है, सस्ता भी सस्ता मिल जाए लेकिन इतनी ही कीमत है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और अभी इसके ऊपर खास बात NS6 के HD चैनल सब ऑन हो गए। ठीक हो गए जी, अभी चलते हैं जी हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट रिसीवर आ गया जी स्टार ट्रैक का, जो मैंने बताया था छोटी फ्लैश वाला F1 F2 गो टू रिसीवर है ये। ठीक है, ये सस्ते में आता है, पहले तो इसकी कीमत 1200-1300 में ही मिल जाता था, लेकिन अभी SKM जब से सॉफ्टवेयर आए इसकी प्राइस बढ़ गई है। हालांकि ये छोटी फ्लैश में है, लेकिन इसमें आपको इंस्टॉल हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर, इसकी वजह से इसकी कीमत भी अभी 1700-1800 रुपया मिल रही है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। तो इसमें हमारे पास आएगा जी ये एक केबल आएगी, ये केबल आएगी, ये एक इसका रिमोट है, ये देखिए मोनो लगा हुआ है, ये देखें। ठीक है जी, आम सा सादा सा रिमोट, ये गो टू, ये है गो टू रिसीवर। ठीक है जी, अभी देखते हैं हम जी रिसीवर, डब्बे को हम करते हैं साइड पे। तो इसका रिसीवर जी ये हम खोलते हैं, इसकी कुछ इस पैकिंग में आता है, ये देखें जी ये हमारा जी रिसीवर, और ये भी प्लास्टिक बॉडी में नहीं है, अच्छा है, लेकिन सस्ते में है, लेकिन अच्छा है। देखें ये इसके बटन है ऑन ऑफ वाला, ये USB एक आएगी। ठीक है जी, और जी ये इसकी सील है, ये ओपन हो तो आपने रिसीवर नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे आगे ये देखें आपके इसका इन आउट, ये USB, ये HDMI, ये इसकी ऑडियो वीडियो, और ये हो गया ऑन ऑफ। ठीक है, ये ऑन ऑफ हो गया, देख लें इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में है, ये देखें, ये देखें फ्रंट पैनल इसका बड़ा अच्छा बना हुआ है, और सस्ते में है, SKM इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाता है छोटी फ्लैश। ठीक है जी, अभी आपको इसकी मैं बड़ी फ्लैश वाला रिसीवर दिखाता हूँ, वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है, 200-300 रुपये महंगा होगा, वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी में आता है, वो आपको अब दिखाता हूँ। अच्छा, ये है जी वो रिसीवर स्टार ट्रैक 9000D,
जो बड़ी फ्लैश में आता है, अच्छी क्वालिटी में आता है, थोड़ा सा जो मैंने पहले रिसीवर आपको दिखाया उससे थोड़ा सा महंगा है वो जी, ये वाला रिसीवर, ये वाला, ये देखें, ये छोटी फ्लैश और ये बड़ी फ्लैश वाला, ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा महंगा है। इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। ये कुछ इस पैकिंग में आता है, ये देखिए, ये इसका कुछ है जी, ये वारंटी कार्ड है इसका, कस्टमर नेम आता है, और ये इसका कुछ मैनुअल है साथ में, ये देखें सब कुछ लिखा हुआ इसमें। ये हमारा आ गया जी इसका, ये इसका रिमोट आ गया, ये इसका रिमोट है, ये देखिए, ये इसकी ऑडियो वीडियो केबल, और ये होगा जी हमारा रिसीवर। पैकिंग को मैं साइड पे रखता हूँ, इसको कर लेते हैं जी ओपन। ये बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक नहीं है, ये देखें, ये इसका फ्रंट पैनल बहुत प्यारा बना हुआ है जी, यूएसबी भी है, ये स्टैंड बाई, ये इसके बटन हो गए ये वाले, ठीक है जी। ये साइड से ये देखें, इसकी भी वारंटी सील है, ये देखें, ये यहां से उतरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे पेच है, अगर ओपन होगा तो ये समझो खुला हुआ है, सील नहीं है, वारंटी इसकी खत्म है। अच्छा, ये ऐसे होगा जी, बैग इसकी देखें जी, ये देखें नीचे से आवाज आ रही होगी आपको, और ये जी इसका पीछे पैनल आम रिसीवर की तरह जैसे उसका था, लेकिन इसमें है बड़ी फ्लैश, इसमें भी एसकेएम प्लस का सॉफ्टवेयर आराम से हो जाएगा। ये देखें, ये इसके दो ट्यूनर इन और आउट, ये है यूएसबी, एचडीएमआई, ऑडियो वीडियो और आना, ठीक है जी। ये है जी हमारा रिसीवर F1 F2 गो टू वाला रिसीवर, बड़ी फ्लैश में है और एक अच्छी क्वालिटी में है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जी। दोस्तों, उम्मीद है आपके जहन में जो सवाल आते होंगे वो कुछ क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई इसके बावजूद आपके जहन में कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश की है कि आपको सब रिसीवर्स के बारे में बता दूं जो मार्केट में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ नामों से, लेकिन उनके अंदर होता यही कुछ ही है, ठीक हो गया जी। एक फॉरएवर सर्वर होते हैं, या F1 F2 गो टू वाले होते हैं, या एलईडी चिपो वाले होते हैं 1506 मॉडल वाले, और एक आइकन आयरन जो थोड़ा कॉस्टली में है, आइकन उसमें एक सर्वर होता है जो पूरे लाइफ टाइम होता है और का सर्वर कहते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।